जब तक मैं तेरे साथ हूँ कोई भी तुझे छूने की सोच भी नहीं सकता मामा। यही तय क्या लिखते लाए? अबे टैलेंट पित्तल मुंह तोल, ए जिंगुल कौन है तू? कौन है तू? अभी मैं तुम लोग को बल बल करता हूँ। हेलो भाई, भाई मेरा डाउट ठीक था, इन लोग बहुत बड़ा प्लेन बना रहे ले। क्या बोले, इन दोनों को थपका डालो, सब जो काम हो गया बस मेरी बेल कला देना। थैंक यू। सुनिए भाई, मुझे लगता है कोई गलत छवि। तू क्या समझा मेरे को पल्ले नहीं आता? जी ए एन गन, KSI कसाई, FNS फिनिश, DALI बली। वो कोने में क्या लिखा है? शूटिंग। इसका मतलब तू खुफिया पुलिस वाला और कसाई बन के हम सबको फिनिश करेगा। कौन सी पुलिस स्टेशन से आया तू? किसको मारेगा? हा? मेरे गलिया भाई को। शूटिंग मतलब वो गन वाली शूटिंग नहीं तो फिर कैमरे वाली शूटिंग। ए साले मेरे को एला समझे लेता। नहीं तोतले भाई, मैं सच बोल रहा हूँ आपसे। फिल्म अकेडमी का स्टूडेंट हूँ मैं। इस गाँव की सुंदर जगहों पे छोटी फिल्म मतलब डॉक्यूमेंट्री बनाने आया हूँ। फोटोज खींचनी है मुझे। चलो कहाँ जाना है? गांव की बात में खींचना, बेली खींचो नहीं तो तुम लोग की खींच डालूंगा। शर्मा मत, वो भेज की ले। ये करने आए थे क्या? अबे नहीं पता, तो फोटो खींच। स्माइल। अबे हंसना भैंस की वाला हंस। ए मेरे परमिशन के बिना मेरी फोटो क्यों खींच ले? चल ली निकल, ली निकल, नहीं तो मैं इसको जला डालूंगा, समझा? जिस तरह से आपने धुआं छोड़ा एकदम हीरो लग रहे थे। चलो मेन न सही पर सेकंड हीरो तो बन ही सकते हैं। अबे तेरी फिल्म में कितने सेकंड हीरो है बताना? कहां ये और कहां मैं? ए बुरा मत मानना, एक्टिंग कर रहा हूं। नहीं नहीं, ज़बान फिसल गई। सेकंड हीरो नहीं, सेकंड विलन, 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 ठीक है? ए साइड लो, साइड लुक। ए कैमरा दे। अरे वाह, लुक में इतना अच्छा आया तो पोज मारूंगा तो कितना रैपचिक दिखूंगा। तू तो चैंपियन है। चल मेरे को अपना डीपी बदलने का, तू मेरी रैपचिक फोटो निकाल। ए चल रे थर्मोकोल पकल। अरे अन्ना आइए। नमस्ते नमस्ते, मुझे लगा कि आप नहीं आएंगे। अरे साइड दे, साइड दे, आने दे। अन्ना अन्ना आइए आइए आइए, के खिलाइए। अमृता खा लो बेटा, खा ले। अमृता खा लो, अच्छी लगती है, खा ले। क्या कर रही हो अमृता? अरे बोले ना, खा ले, क्यों ना कर लिए? अमृता अंकल है ना। चुप, रो मत, तो मारूंगा। अन्ना माफ कर देना, बच्ची है ना, सही समझती। सॉरी भाई, अन्ना खाना खा के जाना। भाई टाइटैनिक भोजपुरी में देखा, नौका दिल धोखा। भाई 10 रुपए छुट्टा है क्या? भाई दूसरी वाली में जाना, आप भी साफ किया है। हाँ ठीक है। भाई कणिया का काम हो गया, लगता है कल ही बाल काटे। ले जाओ अपने भगवान को और जला डालो इसको। भाई
इस पे सारी गोलियां खर्च कर दी, मेरे लिए एक भी नहीं बचाई। बड़े बूढ़ों की बात सुना करो, अगर चार पैसा कमाने का तो दो खर्चा करने का, दो बचाने का। भाई बस तेरी बेल करा देना, मैं इसे ठोकूंगा। गणेश बेटा, कोई भी भूमिका से शादी करने को तैयार नहीं है, तू कर लेना। एक मौका दो भाई। ये कारतूस, थोड़ा शांत रहे। शांत नहीं रह सकता, इतना दिन हो गया ड्यूटी ज्वाइन करके, आज तक एक मच्छर नहीं मारा। पहली वाली कंपनी में मैंने बहुत सारे बदल किए थे भाई, यहाँ तो मैंने गन की छकल तक नहीं देखी, सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। अपना भी प्रमोशन होना चाहिए ना। ये जली हुई बीड़ी, खर्चा पानी दूं क्या? चुप कर बे। गणेश भाई, टोकन सिस्टम करते हैं ना, सबको टोकन दे देते हैं, जिसका टोकन लगेगा वो मर्डर करेगा, राजा भी खुश प्रजा भी खुश, क्या बोलते हो? मैं एक मस्त आइडिया देता हूँ, कंपनी रजिस्टर कर लेते हैं और सबको यूनिफॉर्म पहना देते हैं, टीवी और पेपर में ऐड दे देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फॉर किलिंग। मस्त है भाई। दिमाग सटक गया इसका, पागल कहीं का। अबे मारने के लिए एनर्जी चाहिए जब तेरे अंदर नहीं है। सीधी देख के खुद एनर्जी वेस्ट करता है और तू मेरे को सुना रहे है? चुप, क्या बकवास कर रहा है, महिला बैठी है। अबे वो सीधी नहीं, सफलता की सीढ़ी। कन्या को मारने चला था। शाबाश काशी, बढ़िया काम किया। ए, लाश को तुम दोनों ठिकाने लगाओगे, भेजा फ्राई करने का यही पनिशमेंट है। गणेश कितना अच्छा मुहूर्त है, चल जल्दी से भूमिका से फेरे ले ले। इस बुड्ढी को चुप कराओ यार, सड़िया गई है। छे, शांति से मर्डर भी नहीं कर देते। कब मदद करने मिलेगा, इस बात का मैं 4 साल से इंतजार कर रहा था। भाई ने मेरा टैलेंट पलट लिया, मुझे छोटा कारतूस का टाइटल दिया और तुमने मेरे हाथ में गन पकड़ा के मेरा दिल जीत लिया। बीवी मेरे को बहुत सालों से ताजमहल घुमाने का बोल रही है, तुम मेरी फोटो में ताजमहल लगा के दिखो ना। 1500 रुपए तो मेरी पगार है, 1500 में घर बार चलाऊ की भील बाल में जाऊ, मदद कर लूंगा तो पगार बढ़ जाएगी। अरे भाई का फोन। गनिया भाई बोलो, आपके बहुत करीब हूँ, बस पहुंच रहा हूँ, एक नंबर कल के आता हूँ। थैंक्स अन्ना, फर्स्ट टाइम मुझे गणेश ने डायरेक्ट कॉल किया, थैंक यू। बात क्या? पुलिस वाले जो कलते हैं ना उसे बोलते हैं इनकाउंटर, हम लोग जो कलते हैं उसे बोलते मर्डर। बोले तो खेल खत्म। किसका मर्डर? फोन पे नाम नहीं बोलते भाई। खैर जो भी हो, मुझे क्या लेना देना, तो मैं वाइफ को फोटोज दिखानी है ना, अभी इसमें डाल के देता हूँ। ये रुको, जल्दी आना भाई, गनिया वेट कर रहा है। हाँ बस अभी आया। माँ तूने भी किस जानवर को जन्म दे दिया है जो हीरो नहीं बन सकता, मैं सिर्फ एक सेकंड हीरो बन के रह गया हूँ माँ। वो बैग जिसमें ब्लैक बॉक्स था तुझे रखने के लिए दिया था, कहाँ पर है वो? वो तो संभाल के रखा हो। जल्दी लेकर आ। शांति से रोने भी नहीं देता है। वैसे इसमें है क्या? स्पाई माइक, और इसके जरिए हम आज लाइव मर्डर सुनेंगे। आज सुनना है? यार मैं कपड़े भिगो के आया हूँ। बढ़ाया सेकंड हीरो बनने, उधर एक्शन सीन चालू है और इधर तुझे कपड़े धोने की पड़ी है। ये लो, तुम्हारे सारे फोटोज इसमें डाल दिए। अरे वाह, इसमें फोटो दिखता है। पिक्चर भी देख सकते हो, रात को देख के सुबह रिटर्न कर देना। पक्का भाई, थैंक्स बॉस, चलता हूँ, 5 मिनट का टाइम दिया, बॉस वेट कर रहे। उसे संभाल के रखना और लौटाना मत भूलना। नहीं भूलूंगा भाई। ए, जल्दी चल, 600 मीटर की दूरी पे जाना है। आजा। मेरे कपड़ों का क्या? उल्टा करके पहन ले, सैनिटाइजर मार ले उसमें। क्या यार, ये बारिश को भी अभी आने का था, मेरा रेनकोट फट गया यार। अबे रेनकोट की क्या जरूरत है, नीली वाली जंबो थैली काट के उड़ ले। फर्स्ट टाइम भाई ने मेरे को डायरेक्ट फोन करके बुलाया, किसको तपकाने का है? अबे प्रमोशन लेने के लिए तुझे बहुत खुजली मच रही थी ना, बॉस ने तेरे लिए डबल बोनस प्लान बनाया है। और क्या, बंदूक की नाली साफ कर ले, फायरिंग करने का है। थैंक यू भाई, इसका मतलब मिला प्रमोशन हो गया। किसको तपकाना है भाई? प्रभाकर को। प्रभाकर को बस 2 मिनट दबाना। ऊपर ये प्रभाकर कौन है? पड़ोसी गांव का गुंडा है, दोनों में 46 का आंकड़ा है। आदर्श नगर में उसका जो गेस्ट हाउस है ना, वो रात को वहीं पे आने वाला है। अपने आदमियों ने उसके गेस्ट हाउस को घेर लिया है, सब लोग बराबर उस पर नजर रखे हुए। गणेश भाई की गाड़ी में सीएनजी भर के आ, बहुत लंबा जाने का है। निकाल। चल जा, जल्दी आना। मुझे पता है ये लोग कहाँ पर जा रहे हैं, हम चले के? पहले चले गए तो सिग्नल मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा।
गणेश की गाड़ी का पीछा कर पाए तो काम बन जाएगा। गणिया के लिए लेकिन प्रभाकर की मदद कर रहा है। जैक, इतना अच्छा मूड बना था, सब खराब कर दिया। गनी के आदमी चाय की तपली पे, तुम्हारे काल के टायर को पंचर कर दिया है, किसी तरह वहां से निकल लो। तुम्हें मारने का शुभ काम मेरे को दिया है भाई, खाली पगाल बला देना, पगाल बला के नाम पे भूल कर दिया। कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट आ गया, ये सीन फिल्म को ब्लॉकबस्टर बनाएगा। ए, और मैं हूं इस कहानी का सेकंड हीरो। प्रभु आशीर्वाद बनाए रखना, मर्डर में कोई लोचा नहीं होना चाहिए। ये कोई पुलिस का सायरन नहीं है, एम्बुलेंस है। बिंदास एंट्री मारो भाई। अरे कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि कोई बात नहीं कर रहा है।